हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सर्दियों के लिए गरम ऊनी मोजा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ऊनी कपड़ा लिया है, ये कपड़ा हमारा गरम है। तो अंगूठे वाले हम यहाँ पर मोजे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई रखी है 10 इंच। अगर आपके पैर की लंबाई 9 इंच है तो 1 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने चौड़ाई ली है 9 इंच, तो चौड़ाई भी आपको 1 इंच बढ़ा के लेनी है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगा देना है। तो यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई को भी लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारी ओपन साइड है तो यहाँ पर भी सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है। जिस तरह से हम सूट में चाक सिलते हैं तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी होती है। अब हम यहाँ पर इसको बिल्कुल एक बराबर रखेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंगूठा और उंगली का निशान लगा लेंगे, ठीक है। और इसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग भी कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा लिया है कुछ इस तरह से, और एक मोजा हमारा सिलकर तैयार हो गया है। और इसी तरीके से मैंने दूसरा भी मोजा बनाया है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे अंगूठे हैं वो कुछ इस तरह से आने चाहिए, ठीक है, आमने सामने। तो अब हम यहाँ पर इनको सीधा करेंगे। तो देखा आप लोगों ने हमने किस तरह से ऊनी कपड़े से बहुत ही सुंदर से अंगूठे वाले मोजे बनाना सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।